तो सौनक ऋषि ने पूछा, प्रभु जी ये कथा सुन के किसी और का भी कल्याण हुआ है कि आप पहली बार हमें सुना रहे हैं? तो कहते सुनो, मैं ध्यान से बताता हूं इस भागवत का महात्म क्या, महात्म क्या है वो ध्यान से सुनो। और श्री सूत जी महाराज भागवत का महात्म सुनाने लगे। एक बार की बात है, देवर्षि नारद अनेकों तीर्थों में भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे। और जब वो श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने एक दृश्य देखा, जमुना के तट पर। क्या दृश्य देखा? एक नव यौवना स्त्री जो बहुत सुंदर है, उसके पास में कुछ स्त्रियां बैठी हैं और उसी के पास में दो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हुए। और ये दृश्य देखने के बाद नारद जी दुखी हो गए, जिसकी शुरुआत में मैंने आपसे चर्चा की थी। साधु वो जो परमार्थी है, स्वार्थी नहीं। साधु दूसरों के बारे में सोचता है और संसारिक प्राणी अपने बारे में सोचता है। नारद जी ने सोचा, ये बेचारी दुख पा रही है, रो रही है, कष्ट पा रही है, हमें चाहिए हमें इसका दुख दूर करें। लेकिन तत्क्षण याद आया कि अपने कर्म का फल भोग रही है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो व्यक्ति वैसा फल भोगता है। यहां पर एक बात बहुत क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई बहन। अगर आप ये सोचें कि आपके किए हुए कर्मों को आपके परिवारिजन या अपने आपके फैमिली मेंबर उसे थोड़ा सा शेयर कर ले, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं, नेवर। आपसे कोई पूछे भाई कमाई में या कहीं और में, जब आप उल्टे सीधी झूठ बोलते हो या कुछ भी आप करते हो, तो आपसे पूछे कमाते किसके लिए हो आप, तो आपका जवाब क्या होता है, किसके लिए कमाते? ये कमाने वाले भैया बताएंगे किसके लिए कमाते हैं सर। ये लोग एक ही जवाब देते हैं, बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए। लेकिन कोई बीवी कहती है कि तुम मेरे यहां मेरे लिए चोरी करके लाओ, कोई बीवी कहती है तुम झूठ बोल के लाओ, कोई छोटा सा बच्चा कहता है किसी से जबरदस्ती छिना लाओ, कोई भी बच्चे ये कहते हैं अपने पिताजी से कि भाई तुम उल्टी सीधी कमाई करके हमारा पेट भरो, बताइए कहते हैं क्या? नहीं कहते। तो वो तो तुम डिसाइड करते हो ना, मैं करूं और क्या करूं और क्या ना करूं। ना तो बीवी कहती है ना बच्चे कहते हैं, और कहते तुम यही हो कि मैं बीवी बच्चों के लिए कमा रहा हूं। कहते हैं कि नहीं? लेकिन जब रत्नाकर ने अपनी बीवी बच्चों से पूछा, पत्नी और बच्चों से पूछा, क्या तुम मेरे पाप में शामिल हो? मैं लूटता हूं, मैं लोगों को मारता हूं, मैं ये करता हूं, तुम्हारा पेट भरने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है, मुझे सच्ची सच्ची बताओ क्या तुम मेरे इस पाप में शामिल हो? तो पत्नी और बच्चों ने क्या जवाब दिया? पत्नी ने कहा, मैं जिस दिन अपने मायके का घर छोड़ के आई उस दिन से आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरा पेट कैसे भरेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप चोरी करो, आप किसी को मारो, मैं आपके पाप में शामिल नहीं हूं। और जितने भाई लोग यहां बैठे हैं आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत मस्त जानकारी है, जीवन भर याद रखना, सच्ची में बहुत गजब की जानकारी है आपके लिए। बता दूं कि नहीं? बता देता हूं। यहां पर देखो देवियों की संख्या कितनी है और भाइयों की संख्या कितनी है। इसका मतलब भाई कमाने में लगे हुए और माताएं कौन सा कमाई कर रही हैं, राइट? परलोक की सुंदर कर्मों की। अब सुन लो, भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है मेरे पास, ब्रेकिंग न्यूज, सच्ची में ब्रेकिंग न्यूज। वो क्या है बताऊं? व्यक्ति पुरुष जो सत्कर्म करता है, जो भी धर्म करता है, बिना पति के मर्जी के भी पत्नी को उसका कर्म का 50% फल मिल जाता है। बजा लो, देवी तो बजा ही सकती है, जोर से बजाओ ना। हाँ ऐसे, अब रखो शांति, रखो थोड़ा। हाँ, आपके लिए तो अच्छी बात है, कसम से, देवियों के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है। देवी कथा ज्यादा सुनेंगे तो इन्हीं की अच्छी न्यूज सुनाऊंगा।
भाई लोग जो भी अच्छा कर्म करते हैं बिना पत्नी के मर्जी के, बिना आपकी मर्जी के, उनको 50% लाभ मिल जाता है। किनको? देवियों को, पहली बात। दूसरी बात, पत्नी जो अच्छे काम करती है उसका 1% भी पति को नहीं मिलता। अब नहीं बजाएंगे भाई, मुझे पता है भाई थोड़ी बजाएंगे अब ताली। तुम तो बजाओ, तुम्हारे लिए तो अच्छी न्यूज है माताओं, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है। हमारे साथ मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो ये झूठ हो जाएगा। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये संविधान है। जैसे भारत का संविधान है वैसे भगवान का संविधान है। भाई लोग सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, पुण्य का कर्म करें, उसका 50% माताओं को लगता है। और माताएं कुछ भी करें मतलब पुण्य के काम, तो उसका 1% भी पति को नहीं लगता जब तक वो संकल्प न कर दें। एक और अच्छी बात, उससे भी सबसे बड़ी बात, क्यों साहब डर लग गया क्या? डर गए क्या? अच्छा राधे राधे बोलना पड़ेगा, लग जाता है ना डर? पाप के नाम पे अच्छे अच्छे डर जाते हैं साहब। नहीं उनको कोई और काम, सुनो इन सबसे ऊपर की एक और बात, पत्नी जो भी पाप करती है उसका 50% पति को लग जाता है। पत्नी जो भी पाप करती है उसका 50% पति को लगता है। ये पक्की बात है, मतलब ये कोई मेरी बनावटी बात नहीं है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अब बहुत से भाई लोग कहेंगे भगवान ने हमसे कौन से जन्म का बदला निकाला? देखिए, पत्नी ने अपना भाई छोड़ा, पत्नी ने अपनी मां छोड़ी, पत्नी ने अपना पिता छोड़ा, पत्नी ने अपना सब कुछ छोड़ा। तूने क्या छोड़ा? तूने तो एक बुरी आदत भी नहीं छोड़ी अपनी पत्नी के लिए। जो त्याग करे मैं तुझका, जो त्याग करना जानते हैं रहस्य उसका, वो पत्नी है, तू पति है। और पति की जिम्मेदारी है अपने परिवार का पालन पोषण करना, लेकिन ये भी जिम्मेदारी है कि गलत पालन पोषण न करे, गलत कर्म से, अच्छे कर्म से। और एक बात, पहले लोग अपनी जान दे देते थे ये कहकर कि मैं अपने बच्चों को 2 नंबर की कमाई की रोटी नहीं खिलाऊंगा, और आजकल तो 2 नंबर की कमाई करने में अपना गौरव समझते, तो बच्चे कैसे बनेंगे? आप ये मत देखो कि आप कितना कमा रहे हो, आप ये देखो कि आपकी कमाई का प्रभाव आपके बच्चों पे क्या पड़ेगा। आप जिम्मेदार हैं अपने बच्चों को चरित्रहीन बनाने में, आप जिम्मेदार हैं आप अपने बच्चों को गलत रास्ते पर भेजने में, क्योंकि आपने ऐसी कमाई करके उनका पालन पोषण किया। बच्चों का कसूर नहीं है। इसलिए रत्नाकर की पत्नी ने कह दिया, महाराज हम आपके पाप में साथ नहीं है। बच्चों से पूछा, गोद में लिया, बेटा मैं जो पाप करता हूं तुम मेरे साथ में हो? बोले बिल्कुल भी नहीं, हम छोटे हैं, जब तक हम बड़े ना हो जाएं तब तक हमारा पेट भरने की जिम्मेदारी पिता की है, आपकी है। और आप क्या करके कमाते हो हमें नहीं पता, आप जो कर रहे हो करो, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन हम आपके पाप में साथ बिल्कुल भी नहीं है। रो पड़ा रत्नाकर, आंसुओं की धार बहने के लिए। सोचता है रत्नाकर, जिनके लिए मैंने इतने पाप किए वो 1 सेकंड में कहते हैं कि हम आपके पाप में साथ नहीं। हे मेरे भाई बहन, आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, दुनिया में हर चीज बार बार मिल जाएगी लेकिन मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अगर मानव जीवन मिल जाए तो इसका इतना सदुपयोग करिए, इतना सदुपयोग करिए कि आने वाले लोग सिर्फ आपका नाम ले लेकर कहें कि जैसे उसने जिंदगी जी है वैसे तुम्हें जिंदगी जीनी चाहिए।